आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं और किस तरह का ये महल दिखता है। सबसे पहले ये गेट है, ये वही भूली भटियारी महल का मेन गेट है जहाँ से एंट्रेंस होता है और उसके बाद अंदर का महल शुरू होता है। आइए, जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा उसी तरह से एंट्रेंस है, वैसा ही है। आइए अंदर देखिए। जब आप अंदर एंट्रेंस करते हो तो आपको बाहर के मुकाबले अंदर थोड़ा सा भारीपन सा फील होगा। बाहर का माहौल और अंदर के माहौल में बहुत फर्क है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी गार्ड तैनात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे गार्ड एक दिन अगर रुकता है तो दूसरे दिन वहाँ पे नहीं होता है। कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे ऐसी है जो चक्कर में कोई यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ऐसा गार्ड देखने के लिए, ना कोई सिक्योरिटी मिलेगी। और यहाँ पे 5 बजे के बाद आना बंद, सबको अलाउ नहीं, पुलिस वाले हैं वो बंद कर देते हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं आप जैसे कितने सारे पेड़ यहाँ पे वो सूखे हुए हैं और बाहर देखेंगे सारे पेड़ हरे भरे हैं, जिससे पता चलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पे रात को होता है, इसलिए अंदर आना यहाँ पे रात को अलाउड नहीं है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक पहला एक गेट पाया गया, छोटा सा गेट, और इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो कुछ दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे एक सुरंग थी जो बंद कर दी गई है। कहा जाता है कि यहाँ के नीचे का कुछ अलग ही महल होगा, लेकिन एक कुछ रीजन के चक्कर में इसको बंद कर दिया गया है। जैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, एक छोटा सा गेट आपको और मिलता है यहाँ पे, उस गेट में भी यहाँ पे जो एक सुरंग थी वो भी बंद कर दी गई है। दोस्तों ये ग्राउंड देख रहे होंगे आप पूरा सा, इस ग्राउंड में यहाँ पे कुएं थे जो बंद कर दिए गए, एक नीचे की एक महल है जो कि ऊपर से बंद कर दिया गया है। ये एक भोली भटियारी का महल है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे खुफिया रास्ते हुआ करते हैं उस समय जो महल के अंदर जाने के लिए यूज होते होंगे, आज के टाइम पे ये सारे जो रास्ते हैं बंद कर दिए गए हैं बिकॉज पब्लिक का शायद जाना सेफ नहीं है, इसीलिए इन रास्तों को बंद किया गया है। और यहाँ का जो माहौल है बड़ा ही शांत है, बाहर का जो माहौल है वो थोड़ा सा चहल चहल वाला है, पेड़ पौधे वहाँ के हरे भरे हैं, लेकिन अंदर का जो माहौल है सारे के सारे पेड़ आप सूखे देखोगे, 99% पेड़ यहाँ के सूख चुके हैं। ये और कुछ रास्तों की तरफ जायजा लेते हैं किस तरह के रास्ते यहाँ पे और हो सकते हैं। दोस्तों आपको एक ऐसे रास्ते की तरफ लेके चलते हैं जो एक कहते हैं कि यहाँ का एक मेन गेट होगा अंदर नीचे जाने के लिए। और दोस्तों खास चीज़ ये है कि वो उस गेट को भी बंद कर दिया गया यहाँ पे। आइए दोस्तों हम आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, यहाँ से आप देख रहे हो थोड़ी दूर चल के सीढ़ियाँ हैं जिससे ऊपर की तरफ जाया जाता है। इस महल के लिए एक और रास्ता जाता है जो उस तरफ से जाता है जो कि ऊपर की तरफ के दृश्य को दिखाता है, और हम एक बार देखेंगे कि ऊपर से क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इस एक चीज़ देख के मैं भी हैरान हूँ कि जो बाहर के पेड़ है बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं और अंदर के पेड़ सूखे हुए हैं। ये जो पेड़ हैं सारे सभी के ऊपर नंबर्स डाले गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे पेड़ सूखे हुए हैं। आइए दोस्तों ये यहाँ पे एक ऊपर जाने का रास्ता है जो सीढ़ियों से वो आपको लेके चलते हैं। देखिए जो नेगेटिव एनर्जी की मैं बात कर रहा था, मैं जिसके बारे में बताया था, जिसके लिए महल फेमस है भूली भटियारी का महल जो जाना जाता है अपने हॉन्टेड प्लेस के कारण, और 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री बिल्कुल ही बंद कर दी जाती है। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए होते हैं और किसी की भी एंट्री यहाँ होती नहीं है। आपको मैं बताऊँगा कि बाउंड्री के ऊपर के पेड़ देखिए, बाउंड्री के अंदर के जो पेड़ हैं जितने भी पेड़ हैं सभी के सभी सूखे हुए हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर के सारे पेड़ हरे हुए हैं बिल्कुल हरे। आइए एंट्री थी जाने की वहाँ पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे धूप कह सकते हैं या कंट्रोल एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है कह सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ से मेन जो नीचे जाने के लिए एक रास्ता ये भी हो सकता है जो कि ये नीचे से बंद कर दिया गया है, एक दीवार है यहाँ पे, इस तरह से ये आपसे एंट्री होती है, और इसके बाद जो आप देख रहे हो कि शायद ये यहाँ से बंद कर दिया गया है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता था, और ये यहाँ से एक रास्ता यहाँ पे और है, यहाँ भी है। हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से कोई रास्ता नीचे जाता होगा और वो महल के मेन एंट्रेंस में हमें ले जाता होगा, बट फिलहाल के लिए तो ये रास्ता बंद कर दिए गए। ये
महल का ऊपरी हिस्सा है जो दिखाता है यहाँ पे वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं रात के टाइम पे, और बहुत ही मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए यहाँ पे रात में ठहर पाना। यहाँ के जो गार्ड्स हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी रात के टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, वो लोग भी 5 बजे के बाद चले जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपको अपने आप में ही अपनी बॉडी में भारीपन सा फील होगा, जो नेगेटिव एनर्जी का एक सूचक हो सकता है। हम ज़ूम कर सकते हैं क्योंकि हमने इस तरह की एक्टिविटी को फेस तो नहीं किया, लेकिन जैसा कहा जाता है यहाँ के बारे में कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, और ये महल जिस नाम के लिए फेमस है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शाम के टाइम पे आना खतरे से खाली नहीं है। तो हमारी सलाह यही होगी कि शाम के टाइम 5 बजे के बाद आप बिल्कुल भी यहाँ पे आना अवॉइड करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।